फिल के ऊपर तो जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार स्वास्थ्य कैसा रहेगा और आज के दिन आपको लाभ कितना मिलेगा। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम मेष राशि के साथ। मेष राशि के जितने भी लोग हैं जातक है, वो जरा अपनी राशि फल के ऊपर ध्यान फरमा लीजिए। आज के दिन का आपका सितारा आपके व्यापार के लिए, आपके कारोबार के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। कारोबार के क्षेत्रों में अगर कहीं टूर्नामेंट लगाने की सोच रहे हैं तो वो भी आपका काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल जो रहेगा। कारोबारी का आपकी जो प्लानिंग है वो भी आज के दिन आपकी कई हद तक जो वो आगे बढ़ पाएगी। और वैसे भी आज के दिन आपको हर एक फ्रंट पर सफलता की प्राप्ति होना संभव है। मैं बात कर रही हूँ मेष राशि के जातकों की। आज के दिन का आपका सितारा आपके व्यापार के लिए, आपके कामकाज के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। कामकाज के सिलसिले में अगर टूर्नामेंट लगाने की सोच रहे हैं तो वो भी आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल जो रहने वाली है। साथ ही साथ आज के दिन आप लोग हर एक फ्रंट पर हावी, प्रभावी और विजय जो वो रहेंगे। तो कुल मिलाकर सितारा मेष राशि के जातकों का आज के दिन का अच्छा रहेगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं वृषभ राशि के ऊपर। वृषभ राशि के जितने भी लोग हैं जातक है, वो जरा अपनी राशि फल के ऊपर ध्यान फरमा लीजिए। आज के दिन आर्थिक तौर पर और कारोबारिक दशा आपकी दोनों अच्छी बताई जा रही है। सफलता साथ देगी आज के दिन आपकी, खुश दिल आपका मूड रहने वाला है, जिसके चलते आपका कार्य बड़ी ही आसानी तरीके से जो वो पूर्ण हो पाएगा तथा आज के दिन आपका जो भी कार्य रहेगा वो सहज हो पाएगा। मैं बात कर रही हूँ वृषभ राशि के जातकों की। आज के दिन आर्थिक दशा आपकी अच्छी रहेगी, कारोबारिक दशा भी आपकी अच्छी रहेगी, सफलता भी आज के दिन आपका साथ देने वाली है। आज के दिन आपका मूड भी काफ़ी ज़्यादा खुश दिल जो वो रहेगा, जिसके चलते आप लोग हर एक कार्य को बड़ी ही आसानी तरीके से जो वो हैंडल कर लेंगे। तो ये था वृषभ राशि के जातकों का आज का राशिफल। चलिए आगे बात करें तो मिथुन राशि के ऊपर। मिथुन राशि के जितने भी लोग हैं जातक है, वो जरा अपनी राशिफल के ऊपर ध्यान फरमा लीजिए। आज के दिन का आपका सितारा थोड़ा सा उलझने वाला हो सकता है, पैचीदगी वाला हो सकता है, इसलिए आज के दिन किसी भी इंपॉर्टेंट कार्यों को हाथ में नहीं लेना चाहिए आप लोगों को, और ना ही आज के दिन आप लोगों ने किसी की जिम्मेदारियों में फंसना है। मैं बात कर रही हूँ मिथुन राशि के जातकों की। आज के दिन का आपका सितारा थोड़ा सा मुसीबत वाला हो सकता है, उलझने आपके मार्ग में पैदा हो सकती है, पैचीदगी जो वो पैदा हो सकती है, और आज के दिन आप लोगों ने किसी भी इंपॉर्टेंट कार्यों को अपने हाथ में नहीं लेना है, और ना ही आज के दिन आप लोगों ने किसी की जिम्मेदारियों में फंसना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी आपका दिन आज का शुभ रहे, लेकिन आज के दिन थोड़ी सी आपके मार्ग में परेशानियां जो वो पैदा हो सकती है। तो ये था मिथुन राशि के जातकों का आज का राशिफल। चलिए आगे बात कर लेते हैं कर्क राशि के ऊपर। कर्क राशि के जितने भी लोग हैं जातक है, वो जरा अपनी राशिफल के ऊपर ध्यान फरमा लीजिए। अगर आप लोग टीचिंग का कार्य करते हैं, कोचिंग का कार्य करते हैं, प्रिंटिंग का कार्य करते हैं, पब्लिशिंग का कार्य करते हैं, या फिर आप लोग खुद की कोई भी बिजनेस करते हैं, छोटी मोटी दुकान ही क्यों ना करते होंगे, तो आज के दिन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आर्थिक तौर पर अच्छा जो रहेगा, और जो भी आप कार्य करेंगे उसमें आपको बेहतरीन जो लाभ देखने को मिलेगा। तो ये था कर्क राशि के जातकों का आज का राशिफल। आज का दिन आपका शुभ रहे। चलिए आगे बात कर लेते हैं सिंह राशि के ऊपर। सिंह राशि के जितने भी लोग हैं जातक है, वो जरा अपनी राशिफल के ऊपर ध्यान फरमा लीजिए। आज के दिन किसी ऑफिसर के सॉफ्ट सपोर्टिव रुख के कारण आपकी कोई सरकारी जो बादाई मुश्किल है वो हट पाएगी। साथ ही साथ आज के दिन आपको इज्जतमान की प्राप्ति भी होना संभव है। मैं बात कर रही हूँ सिंह राशि के जितने भी जातक है, आज के दिन किसी भी सॉफ्ट सपोर्टिव रुख के कारण आपके जो ऑफिसर रैंक के लोग होंगे वो आपके प्रति बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सपोर्टिव जो रुख बरतने की कोशिश वो करेंगे, जिसके चलते आपके मार्ग से बाधाएं मुश्किल जो वो हट पाएगी और इज्जतमान की भी प्राप्ति आज के दिन आपको होना संभव है। तो कुल मिलाकर सितारा सिंह राशि के जातकों का आज के दिन का अच्छा रहेगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं कन्या राशि के ऊपर। कन्या राशि के जितने भी लोग हैं जातक है, वो जरा अपनी राशिफल के ऊपर ध्यान फरमा लीजिए। आज के दिन अगर आप लोग यत्न करते हैं तो आपकी जो प्लानिंग प्रोग्रामिंग है उसमें कोई ना कोई ऑब्स्टेकल जो वो आज के दिन हट पाएगा। आपकी जो स्कीम्स है वो भी मैच्योर हो पाएगी और मान सम्मान की भी प्राप्ति आज के दिन आपको होना जायज़ है। मैं बात कर रही हूँ कन्या राशि के जातकों की। आज के दिन अगर आप लोग यत्न करते हैं, प्लानिंग अगर आप लोगों ने कोई भी बनाकर रखी हुई है, तो आज के दिन ऐसे कार्यों में आपको उपलब्धि जो वो हो सकती है और आपके मार्ग में ऑब्स्टेकल जो वो आज के दिन हट पाएंगे। आज के दिन आपकी कोई भी स्कीम्स आपके सिरे जो वो चढ़ पाएंगी, यानी कि अगर आप लोगों ने कोई भी मन ही मन प्लानिंग बनाकर रखी हुई है तो वो कार्य भी आपके आज के दिन जो वो आगे बढ़ पाएंगे। मान सम्मान की प्राप्ति आज के दिन आपको होना संभव है। तो कुल मिलाकर सितारा कन्या राशि के जातकों का आज के दिन का अच्छा रहेगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं तुला राशि के ऊपर।
तुला राशि के जितने भी लोग हैं जातक है, वजीर अपनी राशिफल के ऊपर ध्यान फरमा लीजिए। आज के दिन पेट के मामलों में थोड़ी सी समस्या आपको हो सकती है, ऐसे में थोड़े से आप लोगों ने खाने के मामलों में परहेज करना है। मौसम के एक्सपोजर से भी आप लोगों को बचाव जो करना चाहिए। मैं बात कर रही हूँ तुला राशि के जातकों की। आज के दिन का आपका सितारा पेट के लिए थोड़ा सा खराब रह सकता है, ऐसे में आप लोगों ने खान पान के मामलों में सचेत रहना है। मौसम के एक्सपोजर से भी आप लोगों को बचना चाहिए। बाकी आज का दिन आपका शुभ रहेगा तुला राशि के जातकों का। शर्मा जी, राधे कृष्णा, कैसे हैं आप? चलिए आगे बात कर रहे थे वृश्चिक राशि के ऊपर। वृश्चिक राशि के जितने भी लोग हैं जातक हैं, वो जरा अपनी राशिफल के ऊपर ध्यान फरमा लीजिए। आज के दिन की आपकी व्यापारिक दशा, आपकी कामकाज की दशा दोनों ही अच्छी बताई जा रही है, और इसमें आपको एक सेटिस्फेक्शन जो वो बनी रहेगी। कोशिश में भी आपकी विजय की प्राप्ति जो वो होने वाली है। अगर आप लोग मैरिड है तो दोनों पति पत्नी एक दूसरे के प्रति बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सपोर्टिव जो वो रुख बरतने की कोशिश वो करेंगे। मैं बात कर रही हूँ वृश्चिक राशि के जातकों की। आज के दिन का आपका सितारा आपके खुद के व्यापार के लिए, आपके कामकाज के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो वो रहेगा। कोशिश अगर आप लोग करते हैं तो उसमें आपको विजय की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप लोग मैरिड हैं तो दोनों पति पत्नी भी एक दूसरे के प्रति बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सपोर्टिव जो वो रखने की कोशिश वो करेंगे। तो ये था वृश्चिक राशि के जातकों का आज का राशिफल। आप ठीक है? बहुत अच्छी बात है, मैं भी ठीक हूँ। चलिए आगे बात कर लेते हैं धनु राशि के ऊपर। धनु राशि के जितने भी लोग हैं जातक है, वो जरा अपनी राशिफल के ऊपर ध्यान फरमा लीजिए। आज के दिन आपका जो मन है वो थोड़ा सा टेंशन भरा रह सकता है धनु राशि के जातकों का। परेशान आपका मन जो वो रह सकता है, डिस्टर्ब रह सकता है, डिस्ट्रेक्शन आपके माइंड में जो वो पैदा हो सकती है। इसलिए आज के दिन आपके कोई भी कार्य आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसमें कोई ना कोई मुसीबतें जो वो अवश्य पैदा हो सकती है। मैं बात कर रही हूँ धनु राशि के जातकों की। आज के दिन आपका जो मन है वो थोड़ा बहुत परेशान जो वो रह सकता है, डिस्टर्ब रह सकता है, आपका माइंड थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट जो वो रह सकता है, एक जगह आपका माइंड जो वो स्थिर नहीं हो पाएगा, जिसके चलते आज के दिन आप लोगों को कोई भी नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। तो ये था धनु राशि के जातकों का आज का राशिफल। फिलहाल आज का दिन आपका शुभ रहे। चलिए आगे बात कर रहे थे मकर राशि के ऊपर। मकर राशि के जितने भी लोग हैं जातक है, वो जरा राशिफल को सुन लीजिए। मकर राशि के जितने भी लोग हैं, आपकी राशि चली गई है लास्ट में बताओगे? हाँ जी बिल्कुल, लास्ट में बताती हूँ, पहले थोड़ी सी रह गई है, कंप्लीट होने दें, उसके बाद हम बताते हैं आपको, ठीक है? चलिए मकर राशि के जितने भी लोग हैं जातक है, आज के दिन आप जनरल तौर पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगे। आपका जो सितारा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो वो बेहतरीन देखने को मिलेगा। सूर्यदेव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहेगी, और आज के दिन आप लोग हर एक फ्रंट पर हावी, प्रभावी और विजय जो वो रहने वाले हैं। तेज प्रभाव भी आप लोगों का बना रहेगा। तो ये था मकर राशि के जातकों का आज का राशिफल। बाकी आपका दिन आज का शुभ रहेगा, सूर्यदेव की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। आज के दिन आप लोग जो भी कार्य करेंगे उपलब्धि आपको आज के दिन अवश्य होगी। चलिए आगे बात करें कुंभ राशि के ऊपर। कुंभ राशि के जितने भी लोग हैं जातक है, वो जरा अपनी राशिफल के ऊपर ध्यान फरमा लीजिए। अगर आप लोग कोर्ट कचहरी के किसी भी मामलों के साथ जुड़े हुए हैं तो आज के दिन आपकी बागडोर आपको अच्छा नतीजा जो वो दे सकती है। और बाकी आज के दिन थोड़ा सा गिरने फिसलने का डर आपको बताया जा रहा है। अगर आप लोग कोई भी व्हीकल का आज के दिन इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा सचेत रहेगा। बाकी आपका दिन आज का अच्छा रहेगा, भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। कुंभ राशि के जितने भी लोग हैं आज के दिन, अगर आप लोग कोर्ट कचहरी के किसी भी कार्यों को निपटाना चाहते हैं तो आज का दिन आपका शुभ रहेगा कार्यों के लिए। बाकी आज के दिन अगर आप लोग जितनी भागदौड़ करेंगे उतने आपको अच्छे नतीजे भी देखने को मिलेंगे। गिरने फिसलने का डर आप लोगों को आज के दिन जो वो देखने को मिल सकता है। बाकी कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन अच्छा रहेगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कोई भी अगर आप लोग व्हीकल वगैरह चलाते हैं तो उसमें थोड़ा सा सावधानी बरतने की कोशिश वो कीजिएगा। शर्मा जी, काली शर्मा जी, नाइस, थैंक यू। मैं शेयर कर सकता हूँ? अच्छा, आपका कमेंट नहीं दिख रहा मुझे। चलिए आगे बात कर लेते हैं मीन राशि के ऊपर। मीन राशि के जितने भी लोग हैं जातक है, वो जरा अपनी राशिफल के ऊपर ध्यान फरमा लीजिए। आज के दिन का आपका सितारा बहुत ही ज़्यादा हिम्मती जो वो रहेगा, यानी कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा मेंटली एज वेल फिजिकली जो भी प्रिपेयर रहेंगे, उत्साही आप रहने वाले हैं। आज के दिन आपका मूड काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो रहेगा। काम काज के तौर पर आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव जो रहेंगे, शत्रु भी आज के दिन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। पारिवारिक दशा की बात करें तो आज के दिन पारिवारिक माहौल भी आप लोगों का अच्छा बन सकता है। मीन राशि के जातकों की मैं बात कर रही हूँ, आज के दिन का आपका सितारा अच्छा रहेगा, हिम्मती आप लोग रहने वाले हैं, मूड आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, शत्रु भी आज के दिन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो ओवरऑल मीन राशि के जातकों का आज का दिन अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा।
आप भी शेयर कर सकते हैं, मैं शेयर कर सकता हूँ ये पेज, करिए ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं कर्क राशि के ऊपर। कर्क राशि के जितने भी लोग हैं जातक हैं, वो जरा अपनी राशिफल के ऊपर ध्यान फरमा लीजिए। आज के दिन अगर आप लोग कोई भी टीचिंग का कार्य करते हैं, या फिर आप लोग कोचिंग का कार्य करते हैं, या फिर आप लोग खुद का कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए आज के दिन आर्थिक तौर पर काफ़ी ज़्यादा दशा अच्छी बताई जा रही है। बाकी आज के दिन आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको लाभ जो वो मिल सकता है, आर्थिक दशा भी आपकी सुधर सकती है, पारिवारिक दशा भी आपकी अच्छी रहेगी। बस आज के दिन आपका दिन जो अच्छा रहेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, शुभ रहेगा। और जो भी आप लोग कार्य करेंगे आज के दिन मन लगाकर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग मन नहीं लगाकर कोई भी कार्य करते हैं तो वो आपका कार्य आगे नहीं बढ़ पाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी आज के दिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कर्क राशि के जातकों को, क्योंकि आज का दिन आपका शुभ रहेगा, लाभ मिलेगा आपको। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी आपको फायदा ही फायदा मिलेगा। चलिए शर्मा जी, हाँ जी, मुझे पता है आपकी राशि, क्योंकि आप हमारे डेली के व्यूवर्स हो। ठीक है, तो ये था आज का सबका राशिफल, वो मैंने आपके समक्ष में रख दिया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी लोग हैं वो भी अपने राशिफल को जो वो देख पाएँ और सुन पाएँ। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को शेयर करें और आप तमाम दर्शक अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें, और आगे की तमाम जानकारी के लिए बने रहिए बाहु एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।